आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला अरबी। और मसाला अरबी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम अरबी ले ली है। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे एक कप पानी डालकर, और आपको एक विसल आने के बाद गैस को बंद कर देना है। अरबी बॉईल हो चुकी है और मैंने अरबी को राउंड शेप पीसीस में काट लिया है। तो अब हम अरबी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लीजिए और अरबी को इस पर फ्राई कर लीजिए। इस तरह से आपको एक एक पीस करके अरबी डालते जाना है, और जब तक ये रेड ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करते रहिए। हमारी अरबी लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से आपको सारी की सारी अरबी को फ्राई कर लेना है। सारी अरबी फ्राई हो चुकी है। जिस पैन में हमने अरबी को फ्राई किया है उसी में हम अब तड़का लगा रहे हैं। तो मैं वही तेल यूज कर रही हूँ पहले वाला, और इसमें हम 2 चम्मच तेल और डाल लेते हैं। इसको अच्छे से गरम कर लीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच अजवाइन, और इन सबको 10 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से सौटे कर लीजिए। इसमें डालेंगे 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 बारीक कटे प्याज, 1/2 चम्मच। प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे टमाटर, 1/2 चम्मच 1/2 चम्मच हल्दी, और टमाटर को भी प्याज के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लीजिए। टमाटर भी अच्छे से सोटे हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर, इससे फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और 1/2 चम्मच देगी मिर्च, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा। अब आप इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लीजिए। सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इस पर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ही डालना है पानी आपको, अच्छे से मिला लीजिए इसे। और इसमें हम 5 से 6 चम्मच दही के डाल देंगे, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाएगी। अच्छे से मिला लीजिए। अब आप इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें अपनी फ्राई की हुई अरबी डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लीजिए। दो मिनट मैंने अरबी को मसाले में अच्छे से भून लिया है, और देखिए फ्रेंड्स हमारी मसाला अरबी बनकर तैयार है, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हमारी मसाला अरबी सर्व करने के लिए तैयार है।